cars are so much fun to drive. And मैं actual में वहाँ पे ही सब live shoot करने वाला था, but जैसे ही car में गए and जब भी उधर उतरे and सब camera and all setup किया, तो इतना गर्म और full पसीने से हालत हो गया. So I decided कि जाने तो बाद में आराम से सब बैठ के explain करता हूँ. So now talking about all three cars we have here. First the Vento, the Esteem and the Honda City. So अभी आप बोले कि Honda City is of course faster than Esteem. However, the Esteem जो हम लोग के पास था उसमें ECU remap था and it also had an exhaust system. जो मेरा friend है वो ये car को बहुत सारे rally events and race tracks पे लेके गया. And now speaking of the Vento, you all know about it. So I will not talk much about it. And अभी Honda City की बात करें तो man, that car is so much fun to drive. मतलब जो initial pickup है ना car का बहुत addictive है and the car revs up to 6,500 RPM and पूरा वो rev limiter पे ऐसा मम bang होता है. So the Esteem is producing I think around 80 to 90 brake horsepower. हाँ accurate पता नहीं क्योंकि उसमें detune किया गया है, क्योंकि पहले वो car around 110 bhp produce करता था, but again fuel economics के issues आ रहे थे तो उसको again detune किया गया था. And जो first run किया उसमें I thought कि मैं Vento को आगे रखूँगा ताकि drag race का अच्छा एक front angle मिल जाए, but हुआ उसमें कि मैं तभी Honda City चला रहा था and I started to catch the Vento, so I had to lift off. एंड जो सेकेंड रन था वो एकदम परफेक्ट हुआ बहुत Esteem एंड Honda City के लिए. सो नाउ आई विल क्विकली शो यू अराउंड द कार, द Esteem फर्स्ट एंड देन द Honda City एंड देन वी विल स्टार्ट द ड्रैग रेस. सो दिस इज द Esteem एंड आप यहाँ देख सकते हो मोमो का रेसिंग व्हील है एंड इस पर पहले RPM मीटर एंड ऑल भी था, बट वो सब निकाल दिया है अभी एंड बाकी आप देख सकते हो कम्प्लीटली स्टॉक है. एंड दिस इज़ अ 2006 और 7 मॉडल एंड बाहर से भी पूरा स्टॉक है. अब जब ये इवेंट्स में जाता था तभी इसमें डिकैल्स और डिकैल स्टिकर जो भी है सब लगता था एंड बाद में सब हटा दिया जाता था, इसलिए कार बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि कम्प्लीटली स्टॉक है बाहर से. एंड ये है इसका इंजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर. अभी ECU रिमार तो नहीं दिखा सकता, बट दिस इज द 1.3 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन. एंड नाउ लेट्स लिसन दिस मोटर. हाँ द Esteem गॉट एयर, हावेवर ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, क्योंकि अगर प्लान्ड होता तो मैं पहले से वहाँ पे कैमरा सेटअप एंड सब रेडी रखता. चीज़ में ध्यान रखो, मैं पहले भी बोल रहा है काफ़ी ड्राइवर सब है, हम लोग काफ़ी साल से ये सब कर रहे हैं, आई मीन वही रोड पे काफ़ी टाइम से कार्स चला रहे हैं. मैंने पहले भी कहा जो Esteem का ओनर था ही हैज डन लॉट ऑफ रैलीज एंड रेस ट्रैक इवेंट्स, सो ये सब फैक्टर्स इसमें आते हैं.
So we take precautions as much as we can. And now speaking about the rolling race, इसमें भी एक incident हुआ था Honda City को लेके. I mean at that time I was driving the Honda City. तो मुझे पता था कि इसमें brakes में issue है. So I मतलब मैं देख रहा था कि सामने बहुत traffic आ रहा था. तो मैं पहले ही slow करने का try किया. And अब अभी वो turn पे देख सकते हो कि पहले से car थोड़ा wobble हो रहा था. So I thought okay I'll just start braking. And then मैंने हल्का सा ही brake पे पैर दबाया and the car just got out of shape. And now in rolling race we actually got a guest car and that's a Chevrolet Cruze, but unfortunately it had some issue. Wo car ko boost nahi mil pa raha tha properly. And now enjoy the race. Honda City still got it. I think it would be really fun to race it against the brand new Honda City iVTEC. I think the old Honda City still got it. And अभी next race की plan करें तो हम लोग ने वर्ना वर्सेस वेंटो plan किया है, फोर्ड फिगो का plan किया है, इनोवा क्रिस्टा क्रेटा हैरियर एंड सबका हम लोग ने proper plan करके रखा है. And let's see कैसे सब work होता है. And now see you in next one.